हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, टोंडे गेमर एक ऐसे यूट्यूबर है नेपाल के जिनका ओवरऑल 11.8 मिलियन सब्सक्राइबर है। भाई 12 मिलियन बहुत ही जल्दी उनके होने वाले हैं। वो एक बहुत ही ज़्यादा हम्बल यूट्यूबर है और भाई फनी वीडियोस बनाते हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड के साथ। सोलो वर्सेस स्क्वाड वो बहुत ही ज़्यादा ओपी खेलते हैं और भाई मैंने उनका बहुत सारे वीडियोस देखा। और प्लस में गाइज, मैंने कुछ एक चीज़ मैंने खास ऑब्जर्व किया, मैं आज तुम्हें वही बताने वाला हूँ गाइज। मैं उस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूँगा जो टोंडे गेमर अपने सोलो वर्सेस स्क्वाड में ज़्यादातर यूज करते हैं जब वो वीआर रैंक खेलते हैं तब। तो गाइज, उस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की मदद से मैं गाइज, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, लिटरली मैंने गाइज वीआर रैंक में 15 किल के साथ बुइया निकाला। वो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भाई एक नंबर शानदार है, वो बहुत ही ज़्यादा काम आता है वीआर रैंक में, आप लोग भी देखना। आज मैं उसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ प्लस में कैसे यूज करना है और बाकी सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो गाइज, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चलो गाइज, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे और मैंने एक कॉमन सा चीज़ ऑब्जर्व किया, इनका गेम प्ले के टाइम जो कैरेक्टर यूज होता है, जो कैरेक्टर्स यूज करते हैं ये एक्टिव कैरेक्टर, वो भाई ज़्यादातर होता है ओरियन कैरेक्टर। ओरियन कैरेक्टर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कैरेक्टर है गाइस, जो ईपी पे चार्ज होता है और इसे ज़रा सा भी डैमेज नहीं पड़ता है, चाहे वो कोई भी चीज़ का डैमेज हो। कोई भी चीज़ का डैमेज क्यों ना हो, ये जब अपना यूज में रहेगा तब इसे कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है। मैंने इसका यूज़ करके काफ़ी अच्छे खासे किल्स निकाले। मैंने तो आपको स्टार्टिंग में ये भी बताया कि मैंने किल्स करके 15 किल करके मैंने बुइया भी निकाला ये कैरेक्टर के हेल्प से। यहाँ पे देखो गाइस, मैंने बहुत सारे किल्स निकाले इस कैरेक्टर के हेल्प से। अब देखो, यहाँ पे मैं एक सिचुएशन दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे वीआर रैंक खेल रहा होता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे सामने एनिमी है जो कि थोड़ा होशियार बन के फिर रहा है। देखो, इसने ग्लू वॉल लगा लिया, मेरे पीछे भी एनिमी है, आप लोग मैप में देख सकते हो मेरे पीछे एनिमीज दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो, मैं इसे कैसे मारता हूँ। यहाँ पे भाई मेरे पास ओरियन फुल चार्ज है। देखो गाइज, हम लोग का अपडेट चेंज हुआ है इंडियन सर्वर में कि अब 200 ईपी पे ओरियन चार्ज होता है। बट गाइज, ओरियन चार्ज होने के बाद जो बवाल मचता है गाइज, ओरियन इतना खतरनाक कैरेक्टर हो जाता है जब भी चार्ज होता है तब, मत पूछो। यहाँ पे देखो, मैंने लैंडमाइंस लगा दिए, थोड़ा आईक्यू लगाया और पीछे से मेरे पास एनिमी आ जाता है। यहाँ पे देखो गाइज, अगर मैं ओरियन नहीं बनता मेरे को हद से ज़्यादा डैमेज पड़ जाता। हालांकि गाइज वो लैंडमाइन से मर गया, बट मैं यहाँ पे गाइज ओरियन की वजह से बच गया। तो इसलिए गाइज, आप लोग को ओरियन भी रख लेना है। ओरियन बहुत ही ज़्यादा काम देता है गाइज। सोलो पर स्क्वाड आप लोग नहीं खेलते हो ज़्यादा, तो सोलो रैंक में अगर खेलते हो और स्क्वाड में भी खेलते हो तो गाइज ओरियन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे गाइज टोंडे गेमर के पेसिव्स कैरेक्टर्स के बारे में, जो कि वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वीआर रैंक में सोलो पर स्क्वाड खेलने के टाइम। अब देखो गाइज, उससे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि वीआर रैंक अगर आप सोलो में खेलते हो तो मैं आपके लिए एक बहुत सा यूजफुल सप्लाई कैरेट नाम से एक लोड आउट है जो कि सीएस रैंक में फर्स्ट राउंड में कटाना प्रोवाइड करता है। वैसे ही गाइज, अगर आप 5 मिनट के अंदर मर जाते हो, यानी कि जब तक सेफ जोन श्रिंक होता है, यहाँ पे जो हार्ट बना रहता है ऊपर, इसके पहले आप जब मर जाते हो तो आप ऑटो रिवाइव होते हो। अगर गाइज आपको बदला लेने का मन होता है तो आपके हाथ में होती है G18, जिससे कि मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो गाइज, ये सप्लाई कैरेट आपको एक बीजन गन और लेवल 1 का हेलमेट और वेस्ट प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से गाइज आप उतरते के साथ ही एनिमी से बदला ले सकते हो। जैसे कि गाइज यहाँ पे देख सकते हो, मुझे इस एनिमी ने मारा, प्लस में गाइज मैं उतरने के बाद यहाँ पे इस एनिमी को मैंने वापस से मार दिया विजन की हेल्प से। मतलब गाइज, आपको ये रिवेंज लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप लोग सप्लाई क्रेट जरूर से रख लेना जब भी आप वीआर रैंक खेलते हो तब। अब बढ़ते हैं गाइज पेसिव कैरेक्टर्स की तरफ जो टोंडे गेमर यूज़ करते हैं। अब देखो गाइज, ओरियन यूज़ कर रहे हो तो आपका एपी का ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है। तो गाइज नॉर्मल सी बात है, आपको मिगवेल रखना ही पड़ेगा, जो कि अगर आप एक एनिमी को डाउन करते हो तो ये आपको 200 एपी प्रोवाइड करेगा, जिसके वजह से आपका ओरियन जो है वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है गाइज। और हमें नेक्स्ट कैरेक्टर पर फोकस करना है जिसका नाम है गाइज लिक्विडा कैरेक्टर। अब ये ऐसा कैरेक्टर है गाइज, एक एनिमी को मारे तो आपको 25 HP मिलेगा, फिर दूसरे को मारे फिर 25, ऐसे आपका 250 HP हो जाएगा। प्लस में गाइज, अगर आप लोग वेस्ट HP बूस्टर को लगा के खेलते हो तो गाइज आपका 280 HP हो जाएगा, यानी कि आप लोग वीआर रैंक में फिर 280 HP लेकर खेल पाओगे। अब देखो गाइज, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, जो लास्ट पैसिव कैरेक्टर होने वाला है, तो वो है गाइज हमारा केली कैरेक्टर। केली कैरेक्टर गाइज आपको ऑल टाइम स्प्रिंट मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि गाइज काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको रश करने में प्लस भागने दोनों में। तो गाइज आपको केली कैरेक्टर भी रख लेना है। अब बढ़ते हैं हम लोग स्ट्रेटजीज की तरफ
तो हम लोग स्ट्रेटेजीज में ये करेंगे, अगर आप लोग के सामने सोनिया कैरेक्टर दिख रहा है तो आप लोग ग्लू डाल दो। ज़्यादातर चांसेस में होता ये है गाइस, उसको 50 HP का शील्ड तो मिलता है बट वो 3 सेकंड के लिए मरने के बाद भी जिंदा होता है, जिसकी वजह से गाइस आपको काफ़ी सारी दिक्कतें झेलने को मिलेगी। तो सामने सोनिया है तो आप लोग वॉल डाल लो, सीधी सी बात है, उसके अलावा कुछ मत करो। दूसरी बात गाइस, आपको थोड़ा थोड़ा सर्वाइव करके खेलना पड़ेगा ताकि आप लोग लास्ट तक पहुँच पाओ। और गाइस आप लोग फाइट लेने से डरना नहीं, अगर आप लोग को अच्छे से खेलने आता है तो पूरा प्योर फाइट ले लो बिना डरे हुए। और यहाँ पे देखो गाइज, इसी तरह हम लोगों ने टोंडे गेमर का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करके 15 किल के साथ यहाँ पे देख सकते हो मैंने बूया निकाला। तो गाइज आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।